नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी रही आपकी परीक्षा? वेरी नाइस। ओके, तो बच्चों अभी हम लोग बढ़ते हैं एक फ्रेश टॉपिक की ओर जिसका नाम है सब्र का फल, एंड दिस विल बी योर पार्ट वन। सो फॉर दिस वी वॉच अ स्मॉल इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, सो आर माय डियर स्टूडेंट्स रेडी? ओके ओके बेटा, यह स्टोरी है एक शहर की जहाँ पर अकाल पड़ गया। लोग भूख के मारे मरने की नौबत आ गई और उस समय एक धनी आदमी ने व्यापारी ने मदद करने की ठानी, लोगों की सहायता करने की ठानी, और वह किस तरह हुई आइए देखते हैं। सब्र का फल। एक बार एक शहर में अकाल पड़ गया, लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब शहर के एक धनी नेक दिल व्यापारी ने लोगों की मदद करने की ठानी। उसने घोषणा की कि वो आज शहर के बच्चों को अपने घर के प्रांगण में रोटियां बांटेगा। घोषणा के बाद अगले दिन उसके घर के आगे बच्चों की भीड़ लग गई। बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पड़ते रोटियों की टोकरी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। रोटियां छोटी बड़ी थी और हर बच्चा बड़ी रोटी ले जाने के लालच में धक्का मुक्की कर रहा था। इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी लड़की चुपचाप कोने में खड़ी थी। जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गईं, तो वो अंत में आगे बढ़ी। तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बची थी। बच्ची ने प्रसन्न होकर उस रोटी को लिया और घर लौट गई। अगले दिन फिर रोटियां बंटने लगी। आज भी पिछले दिन की तरह ही धक्का मुक्की चल रही थी। आज भी वो लड़की एक कोने में खड़ी रही। उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई। घर आकर उसने रोटी तोड़ी तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। लड़की की माँ ने उसे ये सिक्का सेठ को लौटाने के लिए कहा। लड़की जब सोने का सिक्का लौटाने पहुंची तो सेठ बोला, बेटी मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में ये सिक्का डाल दिया था। मैं सबसे ज्यादा सब्र करने वाले बच्चे को पुरस्कृत करना चाहता था, इसलिए इस सिक्के को तुम अपने पास ही रखो। सेठ की बात सुनकर लड़की बोली, सेठ जी मेरे सब्र का पुरस्कार यही था कि मुझे दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े। मेरे लिए यही पुरस्कार बहुत है। सिक्का लेकर मैं लोभी हो सकती हूँ और छोटी रोटी लेने के लिए मैं भी धक्का मुक्की करने पर आ सकती हूँ, इसलिए ये सिक्का आप ही रखिए। लड़की की बातों से सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको अपनी धर्म पुत्री बना लिया। सीख: सब्र का फल मीठा होता है। तो बच्चों आपने जाना कि कैसे छोटी सी बच्ची ने धैर्य के साथ काम लिया, यानी कि सब्र से काम लिया। सब्र कहते हैं धैर्य को। तो सेठ जी ने मदद करने के लिए मदद हेतु सब में रोटियां बंटवाई और सारे बच्चे उस पे चीना झपटी करने लगे। लेकिन ये जो छोटी बच्ची थी, इसने अंत में एक छोटी सी रोटी ली और उस रोटी में क्या निकला? एक छोटा सोने का सिक्का। और वह उसे लौटाने किनके पास गई? सेठ जी के पास गई। तो सेठ जी ने कहा कि ये तो मैंने परीक्षा हेतु रोटी के अंदर डाला था कि जान सके कि कौन सब्र और धैर्य वाला इंसान है। तो इस पर एक छोटी सी बच्ची ने क्या उत्तर दिया कि ये छोटा सोने का सिक्का लेकर मैं लोभी हो सकती हूँ और मेरा इनाम क्या है? सब्र, धैर्य, संतोष ही मेरा इनाम है। तो यह जवाब सुनकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और उस छोटी बच्ची को उन्होंने क्या बना दिया? धर्म पुत्री। ओके, तो हमें भी धैर्य और संतोष से काम लेना चाहिए। बहुत बार हमारे सामने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और हमारा काम नहीं हो पाता है तो हम अपना धैर्य सब्र छोड़ देते हैं। तो हमें हमेशा सब्र के साथ, धैर्य के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो यह था हमारा पाठ सब्र का फल। आइए अभी जानते हैं इसके शब्द आठ। ओके, लोभी यानी कि लालची, मदद करना
सहायता करना। प्रश्न, खुश। इनाम, पुरस्कार। ठानी, निश्चय किया, मैंने निश्चय कर लिया। सब्र यानी कि जैसे मैंने बताया संतोष और धैर्य। नेक दिल, अच्छी नीयत वाला। घोषणा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना अनाउंसमेंट, जोर से बोलकर बताना अथवा ऐलान करना। ओके। अकार यानी कि अनाज की कमी के कारण भोजन नहीं मिलना। धक्का मुक्की यानी कि भीड़ के कारण आसपास के लोगों को धकेलना। धक्का मुक्की करना, भीड़ के कारण आसपास के लोगों को धकेलना। ठीक है, तो ये थे हमारे शब्द 8 पाठ 10 सब्र का फल। ओके, आई होप दैट यू हैव लाइक द वीडियो। अच्छा रहा? ओके, देन प्रेस द लाइक बटन। ओके बच्चों, और नेक्स्ट पार्ट में वी विल